जी आलिया, आप बात कीजिए। नमस्ते डॉक्टर जी। जी नमस्ते। एक्चुअली ये सारा टॉपिक सुन के आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड द बुक काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। आई हैव उसमें रेड द उन्होंने बुक। वही लिखा था कि यस, यू रिमेम्बर दैट हाउ द सर्कल ऑफ अब्यूज कंटिन्यूज। इट वाज दो सच बेस्ट फ्रेंड्स थे। ट्रॉमेटिक बुक। लाइक आई आई मैंने उसके बाद कहा था कि मैंने कोई और किताब एक साल तक नहीं पढ़नी है। इट वाज सो ट्रॉमेटिक, द बुक वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। So actually what obviously the awareness needs to spread everywhere, but I think there needs to be a support group so that this circle of abuse is broken. Not just children, there needs to be a support for adults also, because they are all disturbed. They don't know how to handle their own past traumas. बिल्कुल, ये मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि ये जो बच्चे रेप के इतने केसेस पाकिस्तान से निकलते हैं, कभी किसी मैंने नहीं सुना कि किसी ने मेंटल हेल्थ की बात की हो कि इन बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। दीज पीपल प्रोबेबली सेंड देयर चिल्ड्रन बैक टू दीज मदरसास एट द डिस्पोजल ऑफ दीज मौलवीज, और उसके बाद ये साइकिल ऑफ अब्यूज कंटिन्यू रहता है। और दैट इज वाई पाकिस्तान हैज बिकम सच अ डिसफंक्शनल स्टेट, क्योंकि इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल जनरेशंस। अगर आप दुनिया में हर चीज में पीछे हैं, अगर आपकी इतने मदरसे हैं, इतनी मस्जिदें हैं, मैक्सिमम लोग पाकिस्तान से हज उमरा करने जाते हैं, मैक्सिमम हाफिज कुरान है, और उसके बाद आप करप्शन इंडेक्स में टॉप पोजीशंस पर हैं, तो दैट मींस यू आर अ डिसफंक्शनल स्टेट। इट्स नॉट वर्किंग, यू नीड टू चेंज योर वेज। सो दैट्स या आई एग्री विद यू। Yes, I don't want to get into controversial topics, but it is not just Pakistan. In spite of being so progressive and everything, these cases do happen in Indian madrasas also. Abhi Indian government tried to rectify certain things, but the community is not allowing the madrasas to close. So, it's not just, it's a subcontinent level problem, because I remember people from Bangladesh also coming ahead and saying ki unke yahan pe to ye itne level pe hai. That people are now actually, they have become desensitized to it. The news are so many, they have become desensitized. It's like everyday news, aap bas panna palat dijiye, dusre page pe next din wahi news aani hai with a different name. It's not just a subcontinent problem, ye har jagah pe hota hai, balki अमेरिका में एक डॉक्यूमेंट्री भी है और वेरी फेमस जर्नलिस्ट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट देयर नेम, उन्होंने आउट किया था वहां के प्रीस्ट को, चर्चेस के प्रीस्ट को, जहाँ पे वो छोटे बच्चों को मोलेस्ट कर, नॉट इवन द किड्स वरंट इवन दैट लिटिल, बड़े बड़े लड़के हैं जैसे 12, 13, 14 साल के लड़कों को मोलेस्ट करते थे, और वो बच्चों ने ही, एक बच्चे ने ही एक दफा उसको आउट कर दिया था प्रीस्ट को, एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग मूवीज अबाउट इट। दिस इज द थिंग, राइट? वो लोग मूवीज बनाते हैं, वो लोग लिखते हैं इस बारे में, और फिर दे मेक पीपल अवेयर। सब कॉन्टिनेंट का इशू ये है, पाकिस्तान का इशू, यहाँ पे आप बात भी नहीं कर सकते और फिर आप इसके ऊपर कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री बना के अवेयरनेस भी नहीं स्प्रेड कर सकते। इतना पावर, इतना कंट्रोल है मौलवियों के पास। तो ये सब कॉन्टिनेंट का मसला नहीं, हर जगह पे होता है। जी आई डब्ल्यू, हर जगह का मसला है, ये तो वही पावर अब्यूज है ना, पावर करप्शन है, कि आप पावर जब दे देते हैं रिलीजन को बहुत ज्यादा, तो वो फिर अब्यूज होती है। और मुझे पता चला कि आपने कहा कि ये रिलीजन के ऊपर, इसके ऊपर बात नहीं करनी, लेकिन अब ये जो मदरसे में चाइल्ड अब्यूज है, ये तो रिलेटेड ही उसके साथ है ना, कि आप जो है रिलीजन को इतनी पावर मिली हुई है, इस वजह से ये अब्यूज हो रही है। कोई इनके खिलाफ बात नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि ये सही तरीका नहीं है एजुकेशन देने का, क्योंकि जी बात उसके ऊपर आ जाएगी, लेकिन अब करनी पड़ेगी। मैं तो सब जितने भी सुनने वाले हैं पाकिस्तानी, मैं उनको कहूंगी कि रिलीजन के खौफ से बाहर आके इसके ऊपर बात करें, देखें कि जी ये हमारे सामने नजर आ रहे हैं केसेस, इसका मतलब है कि ये सही तरीका नहीं है एजुकेशन हासिल करने का। फिर मैं इंजीनियर मिर्जा की बात करूंगी कि उन्होंने कहा कि जी डे स्कॉलर्स भी होके वो कर सकते हैं, यहाँ के जेहलम के बच्चे कराची में जाके पढ़ रहे हैं और कराची के बच्चे जेहलम में आके पढ़ रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है गुरबत को खत्म करने का या उनको सपोर्ट करने का। अगर जो लोग जो हैं, जो डोनेशन देते हैं, जो कि वहां पे तो वो उन जो पेरेंट्स हैं उनको वैसे सपोर्ट कर सकते हैं,
कि उनको अपने बच्चे भेजने ना पड़े, यानी कि उनको रातें ना गुजारनी पड़े, रात गुजारने की उनको जरूरत नहीं है वहां पे। और दूसरी बात, एक मैं मेरे जहन में एक मौलाना तारिक जमील की बात थी कि उन्होंने जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि देखें ये क्या बात है कि मौलवी जो है वो मांगता रहे, उसको भी बिजनेस करना चाहिए। तो मेरे जहन में तब ये क्वेश्चन आया था कि आपने जो अपनी तरफ से बहुत मदरसे बनाए हुए हैं और आपने बड़ी के जी खिदमत कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि वहां से जब आपके आप इतने बच्चों को, मतलब लोगों को कह रहे हैं कि हमारे मदरसों में बच्चों को तालीम दिलवाएं, मौलवी बने, और बाद में वो क्या करेंगे, उनके रोजगार के लिए क्या होगा, वो जी अब मौलवी बन गए हैं तो अब वो कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप खुद वहां से लोगों को वो बना रहे हैं, आपने तो इतने पैसे कमा लिए, तो आज आप कारोबार कर रहे हैं, तो फिर आप उन बच्चों को क्यों अपने मदरसों में, लोगों को कह रहे हैं कि जी इन मदरसों में मेरे अपने बच्चों को पढ़ाओ, फिर उन लोगों को तो अपने बच्चों को एजुकेशन ही दिलवानी चाहिए ना, जिससे वो मौलवी बन के उनको चंदा ना मांगना पड़े। हर कोई तो इस तरह से आपकी तरह अमीर नहीं हो जाएगा कि वो बाद में कारोबार करे। तो आप पाकिस्तान पाकिस्तान द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाफिज कुरान प्रोड्यूस करता है। कोई पूछे ये हाफिज कुरान क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या उनके पास करेंगे? जो एजुकेशन उनकी है वो कह रहे हैं जमीन तो हर साकी ना, जमीन तो हरकत ही नहीं कर रही, तो ये तो उनकी लेवल है एजुकेशन का। और इस पे ही इज बोस्टिंग कि हमें तो सेकुलर एजुकेशन पढ़ाई जाती है, बीएस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उस लेवल देखें कि ये करेंगे क्या, ये व्हाट हाउ आर दे गोइंग टू मेक मनी, दे आर कैसे गोइंग टू वो मेक अपना वो मनी, ब्रेड एंड बटर कैसे वो अर्न करेंगे? दे आर गोइंग टू मेक मनी ऑफ ऑफ रिलीजन, रिलीजन इज देयर बिजनेस, उनके पास और कोई स्किल नहीं है, मजहब एक स्किल है, तो फिर वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। मुनीब अली से बात करते हैं, वो कह रहे हैं मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी मुनीब, मदिया जी, आई लीव द स्टूडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम, एंड प्लीज कंटिन्यू योर गुड वर्क. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, मेरा ख्याल है मुनीब साहब नहीं है लाइन पे. तो एक जो जी बात अभी हो रही थी ना कि जी मदरसा, अच्छा वो आ गए, वो निकलें आगे, आप उनके. जी जी मुनीब बात कीजिए जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बात कीजिए। जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कुरान मजीद पहले सिपारे से लेके 25वें सिपारे तक तर्जुमे के साथ पढ़ा, और अब मैं पिछले पैटर्न से जिस पैटर्न में नाजिल हुआ है वहाँ से पढ़ रहा हूँ. तो 4.5 साल हो गए मुझे स्टडी करते हुए, लेकिन मैंने कहीं पे भी कुरान मजीद में ये लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं पाया कि अगर कोई बच्चा कुरान मजीद ना पढ़े तो उसे मारो, या कोई, या अरबी पढ़ाना ज़रूरी है. कुरान मजीद में कहीं पे भी अल्लाह ताला ने किसी को भी मार के पढ़ाने का हुक्म नहीं दिया हुआ, ना तो मार के नमाज पढ़ाने का हुक्म है, ना तो मार के कुरान पढ़ाने का हुक्म है, ना तो हाफिज बनाने का कोई हुक्म है, तो या ना ही चाइल्ड अब्यूज का कोई हुक्म है, या उसको अप्रिशिएट किया गया है, बल्कि उसको गुनाह और हराम के जुमरे में डाला गया है. तो अगर किसी भी मदरसे में या बच्चों को मारा जाता है, ये तो गलत टैक्टिक्स हैं एजुकेशन के, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं जानता हूँ कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है. तो मदरसे वालों को पढ़ाना नहीं आता, मैं मानता हूँ इस बात को. मदरसे वाले अरबी पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत गलत है, मैं इस बात को भी मानता हूँ. उनको अरबी नहीं पढ़ानी चाहिए, उनको उसका तर्जुमा पढ़ाना चाहिए ताकि पता चले कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बजाय इसके कि आपने उसको रख लिया. लेकिन आप कुछ, आपने कहा हाफिज कुरान क्या करेंगे, आप सही कह रही हैं, हाफिज कुरान सिवाय कुरान पढ़ाने से किसी काबिल नहीं है. हम हर इस चीज को एग्री करते हैं. मस्जिद का मौलवी फेल हो चुका है, मस्जिद का मौलवी सियासत नहीं कर सकता, मस्जिद का मौलवी कई सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन इसका इस्लाम से लेना देना नहीं. इस्लाम ने उनको एम्पावर करने की कोशिश की थी, उन्होंने खुद अपने मेथड डाल के उसको गलत कर दिया. मैं बस ये बता रहा था, अगर आप इस्लाम को प्योरली पढ़ेंगे तो आपको पता इस्लाम चलेगा ये मौलवी नहीं कर रहे हैं, मौलवी ही जी, कर रहे हैं, यहाँ इस्लाम का लेना देना नहीं है. पे इंटरप्ट करूंगी, इस्लाम की यहाँ पे नहीं बात हो रही, हम मौलवियों की स्पेसिफिकली बात हो रही है। और जहां तक मारने की बात है बच्चों को, तो मुझे मेरा जहां तक मेरी नॉलेज है कि एक हदीस है कि बच्चों को मार मार के 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ानी चाहिए, और उसके बाद 10 साल के बाद बकायदा मारने का हुक्म है। तो उसको लोग, मदरसे के जो लोग हैं वो उस हदीस को फॉलो करते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं कि वो हराम है, वो आप गलत कर रहे हैं, कहीं हराम नहीं है कि बच्चों को मारना हराम है। अगर आप कोई ऐसी हदीस पेश कर दें तो और क्योंकि हमने भी कुरान पढ़ा, हम सब ने इधर पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई और कमेंट करना अच्छा, तो चाहेगा, आजाद हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं आपको इस कुरान की आयत पेश करूँगा.
रहे हैं, हम तो नहीं बच्चों को मार रहे ना, आप जाके एजुकेट करें मदरसे के लोगों को जो ये कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम तो इस्लाम की बात ही बिल्कुल। नहीं, हम तो यहाँ पे इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे, हम में से किसी ने भी इस्लाम का नाम नहीं लिया, हम तो आप मदरसे और मदरसे की बात कर रहे हैं। मदिहा सॉरी वन जी बिल्कुल आप क्वेश्चन सही कह रही है, मैं चाह रही हूँ, आप इतने बिल्कुल आप कुरान सही की कह रही आयत है। निकाल लें, बेशक मैं एक सवाल है मेरा, व्हाई डू यू आपको क्यों लगता है कि लोग उन लोगों के यूट्यूब चैनल्स पर या फिर ट्विटर की पोस्ट के नीचे कमेंट्स उन्हीं लोगों के पीछे क्यों जाते हैं जो एक्शन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, खुद जाकर मौलवियों को क्यों नहीं पूछते मदरसों में कि यार आप ये क्यों कर रहे हैं, या फिर उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं निकाल रहा है, कोई टीवी पे बात क्यों नहीं कर रहा। इसी तरह ये मदीहा के चैनल पे या कोई और यूट्यूब पे बात करे, या सेक्युलर लोग जो बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी लिबरल्स बात कर रहे होते हैं, उन्हीं के को अटैक क्यों करने चले जाते हैं। हाँ, हम तो यहाँ पे बच्चों पे जुल्म नहीं कर रहे ना, हमें हदीस से अब ये दिखा के आपको क्या मिल जाएगा, मतलब चले गए जी हैं। मुनीब, वही बात है कि मुनीब भी रिलीजन को डिफेंड करने आ गए थे, और यही तो मसला है कि हम यहाँ पे मदरसे की बात कर रहे हैं कि ये फॉर्म ऑफ एजुकेशन गलत है, इस तरह के बच्चों को ट्रीट नहीं किया जा सकता, इस तरह बच्चों को किसी फैसिलिटी में नहीं रखा जा सकता जहाँ पे वो वल्नरेबल्स हों, जहाँ पे अब्यूज के इतने ज्यादा चांसेस हो। आपने तो पूरा माहौल बना के दिया हुआ होता है ना, तो लेकिन वो फिर यही बात है कि रिलीजन इतना बड़ा है हमारे हमारे जहनों में कि वो बात वहीं पे आ जाती है कि वो असल जो मुद्दा है वो पीछे चला जाता है कि बच्चे कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्या बच्चे रिलीजन से कम इम्पोर्टेंट है, क्या रिलीजन बच्चों से बड़ा है, नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे क्यों सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों अब्यूज का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमने रिलीजन को बच्चों से बड़ा बना दिया है। हमारे ऊपर रिलीजन का इतना इतनी वो छाई हुई है कि जैसे अब ये मुनीब अली आ गए और ये फौरन इन्हें लगा कि कहीं रिलीजन पे ना अटैक हो जाए, और भी कहने आ गए कि देखें ये इस्लाम ने नहीं लिखा हुआ, ये तो मौलवी कर रहे हैं। लेकिन इसमें कितना बड़ा एलिमेंट रिलीजन का है, मौलवियों को इनेबल कौन कर रहा है, आपका रिलीजन और आपके रिलीजन को इतनी बड़ी रिस्पेक्ट देना और रिलीजन के खौफ से ना बोलना, ये इन मौलवियों को इनेबल कर रहा है कि ये बच्चों के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। इस बात को समझें, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप नहीं वैसे क्यूरियस एक बात मैं सिर्फ ये ऐड करूंगी कि इनको इनको ये इतना भी सोच लेना कि मदीहा के चैनल पे ये आके बात कर सकते हैं, राइट? मदीहा ने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप आए और आके उनसे बात कर ले, आप ये सवाल मौलवियों से जाके कर भी नहीं सकते, इतनी दहशत है उनकी। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये दहशत है मौलवियों की, कि मौलवियों के उनको पता है कि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने रिलीजन को इतना बड़ा बनाया हुआ है। और हम जैसे जो लोग हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, हम लोगों को तो गालियां पड़ती हैं, तो हमारे साथ और हमें भी ये फिर भी ये इस्लाम की जो है बात करने के लिए ये हमसे आ गए हैं कि देखे देखे जी इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मार सकते हैं, ये तो मौलवी मारते हैं। लेकिन उनको उनको कौन इनेबल कर रहा है, ये आपका इस्लाम इनेबल कर रहा है। और दूसरी जो आपने इस्लाम को इतनी तकदीस दी हुई है कि इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, वो कर रहा है। एक और बात तो मैं सेक्स एजुकेशन के हवाले से करना चाहूंगी कि जब सेक्स एजुकेशन शुरू हुई, मेरे देखते देखते यहाँ पे शुरू हुई, और उस वक्त एक एज अप्रोप्रिएटनेस का बहुत बड़ा हवा खड़ा हो गया कि जी क्या ये एज अप्रोप्रिएट है, बच्चों को किस में बताना। उन्होंने बड़ा एक एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने कि ये प्रोग्राम जो है ये डिवाइस किया कि किस तरह से किस उम्र के बच्चों को क्या चीज पढ़ानी है। जब आप ये छोटे छोटे बच्चों को, ये जो एक रेस लगी होती है कि 6 साल का बच्चा हाफिज हो गया, तो 5 साल का बच्चा हाफिज हो गया, 10 साल का बच्चा हाफिज हो गया, क्या आपको पता है कि कुरान में क्या कुछ लिखा हुआ है, और क्या वो क्या क्या किसी ने बात की है कि ये एज अप्रोप्रिएट है, किस उम्र के बच्चे के लिए क्या एज अप्रोप्रिएट है। सूरह तहरीम की जो आयात हैं जिनके अंदर बीवियों की बातें हैं कि वो हराम हो गया और उस चीज को आप अपने ऊपर हराम ना करें, या जो भी किस्से हैं, और भी जो भी कई तरह के किस्से हैं, क्या वो बच्चों के लिए, क्या बच्चे उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बस वो अरबी में है तो उनको पता नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, तो आप उनको पढ़ा रहे हैं। ये क्यों नहीं कभी किसी ने बात की कि क्या चीज एज अप्रोप्रिएट है, कुरान में से ये वाली सूरतें जो हैं, जो आप इन बच्चों को, अगर ये बात कभी हो जाए ना, आप बिल्कुल रिलीजियस एजुकेशन दें, आपका रिलीजन है, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ाएं, इसके ऊपर भी कभी बात हो जाएगी कि रिलीजियस एजुकेशन जो है बच्चों को देना वो जो है ये बच्चों के राइट्स के खिलाफ है। लेकिन शायद अभी हम उन बातों से बहुत नहीं, दूर देखिए हैं। जो जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं क्योंकि मैं तो बिलीव मैं अपनी बात करूं, मैं लोगों को तो नहीं, जाहिर आप फोर्स नहीं कर सकते, मेरे नजदीक तो ये अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है कि आप किसी बच्चे को रिलीजियस किसी रिलीजन में ब्रेन वॉश करें। सेक्युलर एजुकेशन आपको, यू नो, आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं,
उसके बाद आप अपनी जिंदगी यू नो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। एक अपना रिलीजन आप किसी बच्चे पे इम्पोज करें, मेरे नजदीक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, क्योंकि आप बच्चों को फ्रीडम दें कि दुनिया में इतने मजहब हैं और उनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो किसी मजहब को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जी ये जो मुझे ब्रेन, ये मेरे नजदीक ये ब्रेन वॉशिंग है, ये उनके ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। जस्ट बिकॉज यू प्रोड्यूस देम, यू डोंट हैव टू इंडॉक्ट्रिनेट देम इनटू द रिलीजन ऑफ व्हाट यू वर बॉर्न। इट्स नॉट लाइक सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज व्हाट आई बिलीव। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है, वहां पे आप एक मजहब लोगों की रूट्स में है, आप उसको नहीं निकाल सकते। तो हम तो क्योंकि पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से बात करते हैं, मेरा परस्पेक्टिव, मैं अपने बच्चों पे अप्लाई करूंगी कि मेरे बच्चों को पूरी आजादी है, वो मजहब को फॉलो करते हैं नहीं करते। तो क्योंकि हम तो साइंस पढ़ाते हैं, हमें पता है हम एवोल्यूशन के जरिए हम इवॉल्व हुए हैं, सिंगल सेल से हम लाइफ प्रोड्यूस हुई है। हम मिथोलॉजी पे बिलीव नहीं करते कि एक मिथोलॉजी रिलीजन की, हर रिलीजन में अपनी अपनी मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, दे डोंट मेक सेंस टू मी और जो भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से बात करते हैं, आपको पता है मजहब वहां पे नहीं आप खत्म कर सकते, मजहब किसी जगह पे भी खत्म नहीं हो सकता। किसी तो जगह पे नहीं खत्म कर सकते। हम सोल्यूशन की बात करें कि जो वेस्टर्न ने सोल्यूशन निकाला है कि लोग के वेस्ट में भी क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है, लोग संडे स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों को भी भेजते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि यहाँ पे बच्चे इस तरह से प्रीस्ट के हाथों अब्यूज हो रहे हैं, जो अब्यूसिव साइकल्स थे। अब आई डोंट नो हाउ दे वर हैविंग एक्सेस टू लिटिल चिल्ड्रन, ये जो प्रीस्ट के स्कैंडल्स थे, या इनके भी इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस थे जिस तरह पाकिस्तान में मदरसे हैं, लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैम। लेकिन हो सकता है इनकी भी मॉनेस्ट्रीज हों और यहाँ पे बच्चे रहते हों। मधिया जी, जी एक बात बोलूंगा। जी बात देखो, हम लोग रिलीजन, आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिलीजन हम नहीं निकाल सकते, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, कोई भी है ना, ठीक है वो चलेगा। लेकिन हम कम से कम ये तो निकाल सकते हैं कि रिलीजन बोलते हैं पर्सनल मैटर है, ठीक है ना, तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं, स्टेट और रिलीजन को अलग तो कर सकते हैं, कम से कम इतना हम कर दें कि भाई स्टेट के जो लॉज एंड जो भी है रूल एंड रेगुलेशन है वो अलग होंगे, और जो रिलीजन होगा उसका पर्सनल मैटर होगा, वो कोई भी आइडियोलॉजी को, कोई भी रिलीजन को वो बिलीव करता है या फॉलो करता है, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं। जी आजाद इंसान को बात करना चाह रहे थे, आई लेट हिम ऐड एंड देन फिर हम बाकी किसी की कमेंट लेते हैं। जी आजाद जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आ जाके बात अब वहीं पे आ गई है जैसे मैंने जो मैंने स्टार्ट की थी कि आप इसमें से रिलीजन को, इस टॉपिक में से रिलीजन को नहीं निकाल सकते, रिलीजन कहीं ना कहीं पे आ ही जाता है इसके बीच में। मेरा एक मशवरा है, और जैसे मैं बात कर रहा था चैट में कि रिलीजियस एजुकेशन को एक खास एज पे बैन कर देना चाहिए, मैं उसको एक डिफरेंट तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ और फिर आप उसके बारे में ज़्यादा ख्याल करें। कि देखें डॉक्टर साहब, हमने MBBS किया है तो उससे पहले हमने SSC की थी प्री मेडिकल में, अगर आपने पाकिस्तान से किया है तो, या आपने A-levels किया होगा, मैंने SSC की होगी तो उसके बाद हमारा एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद आपने MBBS कंप्लीट किया होगा, उसके बाद ट्रेनिंग में आप गई हैं, तो एक प्रोसेस है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मेरा ख्याल है रिलीजन इज सच अ सेक्रेड एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन सच ए सेक्रेट एजुकेशन कि इसको समझने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, और एक खास एजुकेशन जब बच्चे की हो जाए तभी से तभी ये स्टार्ट होनी चाहिए। इसको ऐसे नहीं आप डे वन पे जैसे बच्चा पैदा होता है पहले तो आप उसकी सुनते कर देते हैं, वो भी एक, मैं तो सर्कमसीजन को भी बेहतर नहीं समझता। तो जैसे वो बात की ना कि बच्चे की अपनी चॉइस के ऊपर जो रिलीजियस ब्रेन वॉश है उसको खत्म करें, और जब एक खास एज हो जाए और जब एक खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अटेन हो जाए तो उसके बाद आप इनका इनकॉर्पोरेट करें रिलीजियस एजुकेशन को, तो ये चीजें खुद बखुद कम होती जाएंगी। अच्छा एक बात मैं लास्ट बोल के निकल रहा हूँ, आजाद भाई है अपना नाम, बहुत अच्छी आपकी बात आ गई। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि एक करिकुलम होता है ना, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं करिकुलम होता है, उसका एक मिनिमम एज उसकी एलिजिबिलिटी होती है, तो ये रिलीजन के बेस पे भी अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है कि भाई कम से कम इतना उसकी एज लिमिट होगी और उसके बाद कम से कम इतनी उसकी नॉर्मल एजुकेशन होगी, उसके बाद वो अगर अपने आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहता है, उसको पढ़ना चाहता है, तो बेशक पढ़े।
करिकुलम बनेगा उसका। तो अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी पैनलिस्ट बोल सकता है। और मरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नहीं आप बोल लीजिएगा, मैं थोड़ा निकलना है मेरे को जल्दी है। बहुत मेरे को धन्यवाद है जिससे आपने मौका दिया, और फिर मैं दोबारा जुड़ूंगा। और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत से आपने सब पैनलिस्ट को वो किया, हैंडल किया, और नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ूंगा। और भाई बोलेंगे मैं सुन लूंगा, यूट्यूब से सुनूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का, आपकी बड़ी वैल्यूएबल इनपुट थी।